हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग भी अपनी समर वेकेशंस को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि फाइनली हम मुंबई पहुंच गए थे। तो मुंबई हमने हमारे पास दो ऑप्शन थी, बोरीवली स्टेशन पर हम उतर सकते थे या फिर हम सेंट्रल स्टेशन पर उतर सकते थे, मुंबई सेंट्रल। तो हमने प्रेफर किया कि हम बोरीवली उतर जाते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम पर जहाँ पर हमें अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचना था वहाँ से हमें कम टाइम पे हम जा सकते थे। तो हमने टैक्सी कर ली थी और अपने टैक्सी में हमने एक ही टैक्सी की थी। वैसे तो हम दो फैमिलीज़ थी और दो फैमिली में हमारे पास टोटल हम 5 मेंबर्स और हमारे बच्चे थे साथ में। अब हम जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन पर। मुंबई का ये हमारा फर्स्ट ट्रिप है, तो ये ट्रिप का जो भी एक्सपीरियंस है हमारा वो मैं आपको शेयर करती रहूँगी। पूरा आपको ब्लॉग जो है वो आपको पार्ट्स में नज़र आएगा कि किस तरह की मुंबई की रोड्स हैं। वैसे तो मुंबई की रोड्स बहुत अच्छी हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जहाँ से हम गए थे वहाँ की रोड्स तो हमें अच्छी लगी। हो सकता है कहीं पर कुछ रोड्स का कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन यहाँ अच्छा है। यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा मेन बात जो नज़र आई है ना, वो मेन बात यहाँ की ये है कि यहाँ पर आपको बहुत सारी ग्रीनरी देखने को मिलती है। आपको ट्रीज़ देखने को मिलते हैं, प्लांट्स देखने को मिलते हैं। रियली मैंने अपने मैं चलो वैसे बात करूँगी कि पंजाब में मुझे इतनी ग्रीनरी नज़र नहीं आई जितनी मुझे मुंबई में नज़र आई। इस बात पे कोई शक नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, नो डाउट बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। ये हम जा रहे हैं, रास्ते में पूरा रोड का मैंने वीडियो बनाया था टैक्सी के अंदर बैठ कर, और ड्राइवर भी काफ़ी ठीक था हमारा कि उसने हमें किसी परेशानी में नहीं डाला और बिल्कुल वो सही रास्ते से लेकर गया। अगर कई बार लोग कह देते हैं अपने ब्लॉग्स में या कुछ भी कि अगर आप जा रहे हो तो हमें टैक्सी नहीं करनी चाहिए, काली पीली टैक्सी ना करो, ऐसा कुछ नहीं है। हमने भी ब्लैक एंड येलो कलर की ही टैक्सी की थी और उसने बिल्कुल हमें रीज़नेबल चार्ज किया था। और काफ़ी मतलब ऐसा नहीं है कि आप अगर कहो कि हम टैक्सी से जा रहे हैं कोई लूट का कोई ऐसा सिस्टम है, ऐसा कुछ नहीं है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना अलर्ट हो। अगर आप अलर्ट हो तो आपकी फैमिली अलर्ट है तो नो डाउट आप आराम से अपनी जर्नी कर सकते हो। बस ये है कि अपनी लोकेशन ऑन रखो और साथ में आप उसके सामने ये शो करो कि आपको यहाँ का पता है और आपके कोई नॉन यहाँ पर हैं, आप किसी ना किसी के टच में हो। अगर आप ये सारी बातें उनके माइंड में भर दोगे या कह लो कि आप इस तरह का सिस्टम रखोगे तो कोई भी परेशानी वाली बात नहीं होने वाली। वैसे भी कोई भी परेशानी वाली बात ऐसी नहीं है, नॉर्मल लोग होते हैं। आप देखो अगर कोई ऐसी वैसी बात होती भी है तब भी आप उस चीज़ को आपको पता ही चल जाता है, ऐसी इंट्यूशन हो जाती है। तो जब हम मुंबई पहुंचे तो मुंबई की रेन कह लो बारिश ने हमारा स्वागत किया। मुंबई की हम कह सकते हैं कि मुंबई के पहले ट्रिप की पहली बारिश का हमने इंजॉय किया टैक्सी के अंदर बैठकर। मौसम जो है मुंबई में वो चेंज होता रहता है, पल पल चेंज होता है। ये बात हम वहाँ पहुँच कर ही इस चीज़ को रियलाइज़ कर सकते हैं। मैं आपको मुंबई की बहुत सारी ऐसी बातें बताऊंगी जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा। और सबसे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी, यहाँ का एक और सिस्टम मुझे बहुत ही पसंद आया। वो सिस्टम ये था कि जब यहाँ पर कोई बसेस आ रही हैं, मतलब बस स्टॉप्स में बसेस आ रही हैं, कोई लोकल बसेस जिसको आप कह देते हो, उसके लिए लोग कोई हबड़ा दबड़ी नहीं करते हैं, वो एक लाइन में रहते हैं और लाइन में ही चढ़ते हैं। तो ये बात मुझे बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा पसंद आई यहाँ की। यहाँ पर लोगों में कुछ ऐसा हबड़ा दबड़ी का नहीं होता कि चलो एक ही मतलब एक ही साथ में बस में आप चढ़ जाओगे, लोगों की धक्का मुक्की करोगे, ऐसा नहीं होता है। एक प्रॉपर लाइन लगी होती है और वन बाय वन करके लोग जो हैं वो बस में एंटर करते हैं। और दूसरी बात मुझे ये पसंद आई, यहाँ पर फुटपाथ बना होता है साइड पर जिस पे पैदल लोग आराम से चल सकते हैं। और हाँ, मुंबई में ट्रैफिक नो डाउट बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि मुंबई में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा शहर है ये महाराष्ट्र का।
तो अब हम पहुंच चुके हैं अपने एरिया में जहां पर हमने स्टे करना था। तो ये उधर का एरिया है, हमारे रिलेटिव्स रहते हैं वहां पर, हमने स्टे किया था और हमारा स्टे जो था वो 3 to 4 days का था। और आप देख सकते हो कि हमारे रिलेटिव्स, उनके घर हम फर्स्ट टाइम गए थे, इवन मेरे मदर वो भी फर्स्ट टाइम गए हैं वहाँ पर, और इस तरह से उन्होंने हमारा स्वागत किया। ये हमारा एक रिचुअल है जो पंजाब और भारत में इसको माना जाता है कि जब भी कोई पहली बार आपके घर आता है तो वहाँ पर हम बाहर जो दरवाज़ा होता है हमारा, वहाँ दरवाजे वाले के जो आप कह सकते हो कि कॉर्नर्स होते हैं, वहाँ पर सरसों का तेल गिराते हैं और स्वागत किया जाता है। तो एग्जैक्ट 24 hours की ट्रैवल के बाद हम थक चुके थे और बस हम सीधा जाकर वहाँ पर थोड़ा सा फ्रेश होकर उनके घर पे एंटर करके बस लेट गए, क्योंकि हम थक चुके थे। और हम मुंबई 8:30 बजे पहुंच गए थे और उनके घर पर हम 10:30 पहुंच गए थे। आप देख सकते हो कि किस तरह से मेरे हस्बैंड लेटे पड़े हैं और मेरे जीजू लेटे पड़े हैं, उनको सबको थकावट हो गई थी, हम सभी थक चुके थे। इधर दिखाओ, इधर देखो, हेलो। जस्ट सॉरी फॉर द मैसी रूम, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था, हम जस्ट अभी आए थे और हमने अपना सामान ऐसे ही रख दिया था। और हमें सेम डे पर ही सिद्धिविनायक मंदिर जो है वो दर्शन करने जाना था, तो अब हम रेडी हो गए थे और हम जा रहे थे सिद्धिविनायक मंदिर। और अभी हमने अपनी कैब बुक कर ली थी सो दैट कि हम सिद्धिविनायक मंदिर जा सकें। इज़ अप्रॉक्सीमेटली 15 minutes ऑफ वॉक फ्रॉम द दादर रेलवे स्टेशन। हमारे एरिया से 1 hour का डिस्टेंस था। यू कैन हायर अ टैक्सी और कैब इफ़ यू वॉन्ट टू रीच द टेम्पल। प्राइवेट बसेस भी अवेलेबल हैं। अगर मैं बोरीवली स्टेशन की बात करूँ तो ये टेम्पल 24 kilometers डिस्टेंस पर है, और अगर मैं अपने एरिया से बात करूँ तो हमारे एरिया से ये 23 kilometers डिस्टेंस पर था, और हमने जो टैक्सी हायर की थी और हमें 1 hour अप्रोक्स लगा था, पूरा 1 hour नहीं, यू कैन से कि 45 minutes हमें लगे थे, और टैक्सी ने हमसे 800 चार्ज किए थे, और एक टैक्सी में सिर्फ 3 persons ही अलाउड होते हैं, और साथ में अपने बच्चों को आप लेके जा सकते हो। आपको मंदिर के बाहर मार्केट देखने को मिल जाएगी जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हो। गणेशा जी को मोदक का प्रसाद बहुत अच्छा लगता है, तो आप जहाँ पर अपने जूते उतारते हो वहाँ से आपको एक टोकरी मिल जाती है जिसमें आपको पूरा प्रसाद और साथ में फूल पत्तियाँ जो भी आपका चढ़ावा होता है वो आपको मिल जाता है। ऐसा माना जाता है कि गणेशा जी का जो पूजन होता है वो किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले हिंदू धर्म में किया जाता है। इससे आपके जो काम की शुरुआत होती है वो आपका काम बहुत बढ़ता है। ये बहुत ही फेमस टेंपल है गणेशा जी का। इस टेंपल की जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि इस टेंपल में गणेशा जी की जो मूर्ति है उसकी, गणेशा जी की जो सूंड है वो दाई तरफ की ओर मुड़ी हुई है, वो सिद्धि पीठ से जुड़ी होती हैं। दैट्स वाई इस टेम्पल को सिद्धि विनायक मंदिर भी कहा जाता है। ऐसे गणपति जो होते हैं वो बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं।
ये मंदिर जो है वो प्रभ देवी दादर एरिया में लोकेटेड है। ऐसी मान्यता है कि अगर किसी को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो वो इस मंदिर में एक बार जरूर आए और उसे संतान प्राप्ति अवश्य होगी। और अगर किसी का कोई काम नहीं बन रहा है तो आप यहाँ पर मन्नत मांग सकते हो और आपके काम बन जाएंगे। अगर कोई रुका हुआ काम है वो भी बन जाएगा। यहाँ पर आप अंदर अगर बात करें तो कैमरा लेकर नहीं जा सकते हो। हम जिस दिन गए थे उस दिन शुक्रवार था। शुक्रवार को इतना रश नहीं होता है, रश तो होता है लेकिन इतना नहीं होता है जितना आप हॉलीडेज़ वाले दिनों में रहता है, जैसे कि सैटरडे और संडे। सैटरडे और काफ़ी रश रहता है। सिद्धि विनायक मंदिर जिस वक्त हमारे पास गणेश चतुर्थी होता है उस दिन भी काफ़ी रश रहता है। और जब सितंबर में गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल आता है तब तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर रश रहता है। आजा आजा के गणपति बप्पा मोरिया। अब तो उठाया हुआ है आपको पापा ने। मैं करो शुगर स्माइल करता हुआ नजर आया। गणेश चतुर्थी पर यहाँ पर काफ़ी क्राउड इसलिए होता है क्योंकि मेन ये जो हमारा टेंपल है वो लॉर्ड गणेशा जी का ही है। यहाँ पर उस वक्त तो पूरा मेला लग जाता है। यहाँ जिस दिन हम गए थे उस दिन इतना ज़्यादा क्राउड नहीं था, इसलिए हम मंदिर में थोड़ा काफ़ी आगे तक मोबाइल का कैमरा मैं यूज़ कर पा रही थी। लेकिन अगर आप बिल्कुल अंदर द्वार पर प्रवेश करोगे तो वहाँ पर आप बिल्कुल भी मोबाइल का कैमरा जो है वो लेकर नहीं जा सकते हो। यहाँ पर आपको वो मना कर देंगे कि अंदर प्रवेश करते ही आप अपना मोबाइल बंद कर दीजिए। और जगह जगह पर ये लिखकर भी लगाया गया है कि मोबाइल और कैमरा अंदर लेकर जाना सख्त मना है। हम मंदिर 6:30 बजे पहुँचे थे शाम को और 7 बजे आरती शुरू हो जाती है, तो हमने एग्जैक्ट 7 बजे दर्शन कर लिए थे और हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए भगवान जी के। और उसके बाद आरती जो है वो आरती का समय हो गया था और हमने वहाँ आरती भी सुनी। आरती शाम को 7 बजे स्टार्ट हो जाती है और सबसे पहले वहाँ पर ढोल और नगाड़ा जो है वो बजते हैं। उसकी टोन बहुत ही मतलब आपके मन को इतनी शांति देती है। आप किसी भी मंदिर टेंपल किसी भी ऐसे धार्मिक स्थान पर चले जाइए, इसमें कोई शक नहीं है कि आपके जो मन को है वो एक अलग सा ही सुकून जो है वो महसूस होता है। आप बिल्कुल आपका दिल खुश हो जाता है। यहाँ पर सबसे पहले ढोल नगाड़ा जो है आरती से पहले बज रहा था और उसके बाद 5 मिनट तक वो ऐसे ही चला, उसके बाद आरती स्टार्ट हो गई थी। आरती होने के बाद हमने चौकी भरी और चौकी भरने के बाद हम वापस आ गए। चौकी भरने का मतलब होता है कि आप वहाँ पर मंदिर में थोड़ी देर बैठ जाते हैं और उसके बाद जिस दुकानदार से आपने प्रसाद लिया होता है वो टोकरियाँ आप उसको वापस कर देते हैं। टोकरियों में से प्रसाद का सामान लेकर वो एक पॉलीथीन में रख के आपको वापस कर देते हैं और जो आपके जूते होते हैं वो वापस आप पहन सकते हो। साढ़े सात 8 बजे हम सिद्धि विनायक मंदिर में दर्शन कर जब वापस आ रहे थे तो हमें जाना था आगे इस्कॉन टेंपल। अब हम इस्कॉन टेंपल जा रहे थे लेकिन हम अपने बेटे के सैंडल्स मंदिर में ही भूल आए थे,
तो इसके लिए हमें वापस जाना था, तो हमने अपने टैक्सी ड्राइवर से बोला कि वो हमें वापस ले चले। तो टैक्सी ड्राइवर जब हमें वापस ले जा रहा था तो उस वक्त उसने एक छोटी सी गलती कर दी, उसने एक यू टर्न ले लिया और वो यू टर्न उसने गलत मोड़ पर ले लिया। हर मोड़ पर आप मुंबई में यू टर्न नहीं ले सकते हो, जिसकी वजह से उसको फाइन पड़ गया और उस फाइन का आधा हिस्सा हमें भी पे करना पड़ा। वेल, हमें अपने बेटे के सैंडल्स मिल गए थे और अब हम अपने डेस्टिनेशन नेक्स्ट डेस्टिनेशन इस्कॉन टेंपल जा रहे थे। तो रास्ते पर हमने अंबानी हाउस भी देखा। अब हम पहुंच चुके हैं इस्कॉन टेंपल। ये जो इस्कॉन टेंपल है वो गिरगांव चौपाटी वाली साइड वाला इस्कॉन टेंपल है। यहाँ से थोड़ा आगे जाकर आप गिरगांव चौपाटी बीच जा सकते हो। आप किसी भी मंदिर में चले जाते हो, आपको मन की शांति मिलती है। प्रभु कृष्णा जी के मंदिर में अगर आप आ रहे हो तो इतना डिवाइन प्लेस है ये, बहुत ही सुंदर कलाकृति वाली यहाँ पर मूर्तियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। इस्कॉन टेंपल के बाद जो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था वो था हमारा गिरगांव चौपाटी। और एक बात मैं आपको बताऊँगी, इस्कॉन टेंपल 9 बजे बंद हो जाता है, एग्जैक्ट 9 o'clock, और उसके बाद हम चले गए गिरगांव चौपाटी बीच। हर चौपाटी पर आपको हर तरह की खाने पीने की चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी। आप कुछ भी कोई भी स्नैक्स जो हैं वो इंजॉय कर सकते हो। रात के टाइम जो बीच का आपका सीन होता है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है बिकॉज ऑफ लाइट्स। समुंदर की लहरों को देखना भी आपकी आंखों को इतना सुकून मिलता है। फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हो तो आपको बहुत ही प्यारा लगेगा यहाँ पर। ठंडी ठंडी सी हवाएं यहाँ पर चल रही होती हैं, लहरों का दृश्य होता है, इतना अच्छा वेदर और इतना नेचुरल, और ये नेचर का जो नज़ारा है बस आपका मन करेगा कि हम यहीं रह लें।
तो तेरे से भी स्टार्ट कर रही हूँ। पहले ऐसे धीरे धीरे से, फिर इधर से थोड़ा सा ऐसे जूम, हल्के प्यार। आप खूब मस्ती कर सकते हो यहाँ पर। We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. And when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for now. अब हम वहाँ से चल पड़े थे मैरिन ड्राइव का लुक देखने के लिए, और सुना है उसको मुंबई का डायमंड नेकलेस भी बोलते हैं। और हम वहाँ जाकर, हम वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुके, हम थोड़ी देर रुके थे, और ये डबल पास नहीं, ओपन 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 ओ
मैरिन ड्राइव का मुझे बस एक ही प्रॉब्लम लगा, यहाँ पर आप बच्चों को लेकर नहीं जा सकते क्योंकि बच्चों के लिए यहाँ पर रिस्क रहता है, बच्चों को आपको संभाल कर रखना पड़ेगा, बच्चे काफ़ी शरारती होते हैं, अगर आपका ध्यान इधर उधर गया और बच्चे जो है वो शरारत करेंगे तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। हम ज़्यादा देर वहाँ पर नहीं रुके और हम चल पड़े साथ में ही गेट ऑफ इंडिया देखने और ताज होटल को देखने। हम काफ़ी लेट हो चुके थे क्योंकि एक ही दिन में हमने इतने सारे प्लेसेस विज़िट कर लिए थे और हम ज़्यादातर मैं यहाँ पर फ़ोटोशूट नहीं कर पाई। अब हम जा रहे हैं घर वापस और रात को हमें बजने वाले हैं 2 और 2 बजे हम पहुंच जाएंगे अपने घर।